उस व्रत की परिधि ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर इस सवाल में आपको क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल की सहायता से हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या की मदद से हम परिधि ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2464 वर्ग सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल। तो ए फॉर एरिया, और एरिया का सूत्र क्या है, एरिया का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई इज ए 22/7 इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। अब यहां से हम क्रॉस मल्टी करते हैं तो क्रॉस मल्टी में ये हो जाएगा आपका 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इनटू 2464। अब हम यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इनटू 2464, और ये जो 22 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में आ गई। अब 22 से ये कटेगा, 22 एकम 22, 24 में से 22 गए, दो बचे, दो इसको दिए 26 हो गए, 22 एकम 22, अब 26 में से 22 गए, चार बचे, चार इसको दिए, 22 गुना 44, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 112। वर्ग कटेगा तो वर्गमूल लगेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 112। अब 112 का गुणा 7 में होगा, या फिर 112 के गुणनखंड हम ज्ञात करें और दो दो के जोड़े बाहर निकालें, ये भी एक हमारे पास तरीका है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, तो ये हो जाएंगे 784। और 784 का वर्गमूल कितना होता है, 784 का वर्गमूल कितना होता है, 28 होता है। तो ये त्रिज्या आ गई। त्रिज्या कितनी आई बेटा, त्रिज्या बोले तो रेडियस, R इज इक्वल 28 सेंटीमीटर। अब सवाल में हमें परिधि ज्ञात करना है, परिधि का जो सूत्र है वो आपको मालूम होना चाहिए। परिधि का क्या सूत्र है, परिधि का किसी को सूत्र याद है, तुम में से किसको याद है परिधि का सूत्र, परिधि बराबर क्या होता है बताओ, परिधि मतलब किनारे की लंबाई, कितना होता है सूत्र इसका, 2πr, 2πr, तो ये हो जाएगा 2π मतलब कितना, 22/7, और r कितना, r बोले तो 28, r कितना है 28 है, तो 7 से 28 को काटो, 7 6 28, तो ये हो जाएगा 22 गुना 44, गुणित में 4, 4 का 44 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 4 चौक 16 और 1 17 176। 176 क्या है, क्या है 176 बताओ, क्या है 176, ये परिधि है, परिधि की लंबाई है, किनारा है, 176 सेंटीमीटर परिधि, गिवन सर्कल, दिए गए सर्कल की परिधि की लंबाई है।